अस्सलाम वालेकुम ग्रेड नाइन, आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास एंड टुडे आर टॉपिक इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ अदर एंट्रीज। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज जो फर्स्ट एंट्रीज हैं इसको आपने एक्सचेंज कर देना है और जो दूसरी एंट्रीज हैं उनके आपने साइन चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, यहाँ पर आपने ए और डी की जगह चेंज कर देनी है, डी ए हो जाएगा और बी और सी के साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव थे तो यहाँ पे आपने इनको नेगेटिव कर दिया। सो एडजॉइंट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। सेकेंड टॉपिक इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे आपने फाइंड आउट करना है, बाय यूजिंग एडजॉइंट। सो फार्मूला इज फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैट्रिक्स एम एंड इट्स इनवर्स इज दिस एम माइनस वन। First we have to find out determinant as inverse is possible only for non-singular matrix. अब ऐसे matrix जो non-singular होंगे जिनका determinant का answer zero नहीं होगा उन्हीं का आप जो है वो inverse find out कर सकते हैं। So सबसे पहले आपने क्या करना है, इन determinant find out करना है, उसके बाद आपने adjoint find out करना है। So formula is m inverse is equal to adjoint m divided by m determinant। यहाँ पर आपने ऊपर एडजॉइंट एम लिखना है और नीचे आपने एम डिटर्मिनेंट लिखना है और इनको डिवाइड कर देना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट नंबर थर्ड, एक्सरसाइज नंबर 1.5, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। सो देयर आर फोर पार्ट्स, आई एम गोइंग टू सॉल्व पार्ट नंबर 1 and 4। सो हियर इज पार्ट नंबर फर्स्ट ए। ए इज इक्वल टू माइनस 1, 3 and 0. So to find out multiplicative inverse, its formula is A inverse is equal to adjoint of A divided by A determinant. So सबसे पहले आपने A determinant find out करना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये matrix singular है या non-singular है। अगर singular होगा तो आगे हम इसको solve नहीं कर सकते। So A determinant is equal to माइनस 1, 2, 3, 0। सो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने इनको मल्टीप्लाई करना है इनको और फिर माइनस कर देना। सो माइनस 1, 0, 0, माइनस 3, 2, 6। सो आंसर इज 6। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज़ नॉन सिंगुलर। इसका हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन एंट्रीज की, डायगनल वाली एंट्रीज की साइड चेंज करनी है। आपने 0, -1, 0 था, आपने 0, -1 कर दिया है और जो नेक्स्ट टू एंट्रीज हैं उनके आपने साइन चेंज कर दिया है। सो -2, -3। सो दिस इज़ एडजॉइंट। एडजॉइंट इज़ वेरी सिंपल, डिटर्मिनेंट भी बहुत इजी है। नेक्स्ट स्टेप इज़ ए इनवर्स। सो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला लिखना है विच इज़ एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, -2, -3, 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इज -6। अब आपने यहाँ पे नीचे क्या कर देना है, -6 से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई ईच एंट्री विद -6। आपने यहाँ पे -6 डिवाइड हो रहा है पूरे मैट्रिक्स से, तो आपने सब एंट्रीज को -6 से डिवाइड कर देना। सो दिस इज 0 डिवाइडेड बाई -6, -3 डिवाइडेड बाई -6, -2 डिवाइडेड बाई -6 एंड 1 डिवाइडेड बाई -6। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा फर्स्ट। दिस इज 3 1s are 3, 3 2s are 6, -, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 2 1s are 2, 2 3s are 6, -, कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज 1/2, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 1/-6। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। डिटर्मिनेंट कैसे करना है, आपने ऑपोजिट साइड वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है। एडजॉइंट इज डायगोनल एंट्रीज का आपने साइड्स चेंज करनी है और जो दूसरी एंट्रीज हैं उसके आपने साइन चेंज करने हैं। देन ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। जो एडजॉइंट ऑफ ए आया है वहाँ यहाँ पर आपने लिखना है, उसके बाद आपने इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देना है। सो दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर फोर्थ इज D इज इक्वल टू दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट इट्स डिटर्मिनेंट। आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। दिस इज 1/2, 3/4,
1, 2. So multiply 1 by 2 with 2 minus 3 by 4 multiply 1. यहाँ पे आपने इन दोनों को multiply किया और minus. 2 1s are 2, 2 2s are 4, sorry 2 1s are 2. So this is 1 minus 3 by 4. ठीक है, ये 3 1s are 3, 4, 2 1s are 2, यहाँ पे 1 आ गया. अब आपने क्या करना है, इसका LCM लेना है. LCM इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. 4 by 4 minus 3 by 4. So 3, 4 minus 3 is equal to 1 by 4. So determinant is equal to 1 by 4. Next step is adjoint of D. अब ये 0 के equal नहीं है, so it is possible. This is non-singular. आगे हम इसका inverse find out कर सकते हैं. So adjoint of D is equal to 1 by 2, 1, 3 by 4, 2. So to find out adjoint, आपने पहले इन दोनों की sides change करनी है. This is 2, 1 by 2, और इनके साइन चेंज करने हैं, माइनस 3 by 4 एंड माइनस 1. सो दिस इज एडजॉइंट. अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है, और डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी डिटरमिनेंट. सो एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 3 by 4 1 by 2. ठीक है, इसको आपने किससे डिवाइड कर देना है, 1 by 4 से. ठीक है, आपने ईच एंट्री को किससे डिवाइड कर देना है, 1 by 4 से. सो नेक्स्ट स्टेप इज टू 1 माइनस 3 by 4 1 by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 4. ये जब 4 ऊपर जाके डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड, फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड 1 by 4 माइनस 3 by 4 डिवाइड 1 by 4. दिस इज 1 डिवाइड 1 by 4 एंड 1 by 2 डिवाइड 1 by 4. ठीक है, ये इसी तरह डिवाइड होगा. अब हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड फाइंड आउट करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे. सो 2 मल्टीप्लाई 4, देन 1 मल्टीप्लाई 4, दिस इज माइनस 3 बाय 4 मल्टीप्लाई 4, दिस इज 1 बाय 2 मल्टीप्लाई 4. ठीक है, ये जब डिवाइड रेसिप्रोकल होता है तो ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है. सो दिस इज 2 4 आर 8, 4 1 आर 4, 4 1 आर 4, 4 1 आर 4, दिस इज माइनस 3, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, सो 2. सो डी इनवर्स इज इक्वल टू 8 4 माइनस 3 2. सिंपल, आपने सबसे पहले डी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड आउट करना है, और आपने उनको डिवाइड कर देना है. सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1.5, पार्ट नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच. सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. जज़ाकअल्लाह.